आप पैदल आ रहे हैं गाड़ी से आई क्या पैदल पैदल आप पैदल आ रहे हैं गाड़ी से आई क्या पैदल पैदल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बागेश्वर सरकार से शादी की ख्वाहिश में सुर्खियों में आई शिवरंजनी तिवारी का सबको धोखा दे रही हैं। जी हाँ, एक वीडियो वायरल भाव है सोशल मीडिया पे छतरपुर जिला से, जिते शिवरंजनी तिवारी जो बता रही हैं लगातार कि वे पद यात्रा करके बागेश्वर धाम पहुंच रही हैं, वे कार से यात्रा करत भई नजर आई हैं। हमको नहीं चाहिए अब हम लोग नहीं दिखाना था। ये देखो ये कर दूंगा आपका ये बनाने वाला रास्ता है। जी जिला में बागेश्वर धाम है यानी छतरपुर जिला में जब शिवरंजनी तिवारी कार में यात्रा करत नजर आई सो लोगन ने पूछ धरी कि काय आप तो पद यात्रा कर रही थी। सो उनके सहयोगियों ने जवाब दो कि उनकी तबीयत खराब है। इसके बाद उनकी अस्पताल में इलाज करात की तस्वीरें भी वायरल भई। उतई शिवरंजनी तिवारी छतरपुर जिला के बागेश्वर धाम पहुँच गई हैं और इतने उनको इंतजार है 16 जून को, जब वे बागेश्वर सरकार के लाने अपनी बात रखें। कब निकली थी और कब बागेश्वर धाम पहुंच रही? कितनी किलोमीटर की यहाँ से यात्रा? हम लोग 1 मई को निकले थे और अभी हम लोग 16 जून तक लगभग पहुंच ही जाएंगे हमें ऐसा लग रहा है। और गंगोत्री से स्टार्ट हुई थी यात्रा। क्या मनोकामना लेकर जा रही है बागेश्वर यात्रा? बागेश्वर धाम सरकार बताएंगे पर्चा खोल के जो उन्होंने लिखा है पर्चे में। क्या परीक्षा लेने जा रही होगी जब आप निकली? नहीं, मेरे उद्देश्य तो बहुत सारे लेकिन सब पर्चे में खुलासा होगा। यदि महाराज ना मिले तो फिर तो संसार रह जाएगा। नहीं, मिलने का कोई सवाल नहीं है, वो मिलके रहेंगे, उनके दर्शन होंगे। मेरी बालाजी सरकार पे आस्था है, उनके दर्शन तो होंगे। महाराज जी से बात हुई है क्या? नहीं, कभी नहीं। आप पैदल आ रही हैं गाड़ी से क्या? पैदल पैदल। महाराज जी से कभी भेंट हुई है? नहीं। शादी को लेकर कयास लगा रहे हैं लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगाते रहिए, खुलासा 16 जून को ही होगा जब दर्शन होंगे। क्या माना जाए शादी आप ही के साथ होगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, महाराज जी से पूछिए इस बारे में। महाराज जी तो अज्ञातवास में हैं, आपके पहुंचने के पहले अज्ञातवास में चले जाएंगे। लेकिन उनके दर्शन होके रहेंगे, भले ही वो अज्ञातवास में क्यों ना हो, लेकिन दर्शन तो होके रहेंगे। दर्शन करने आ रहे हैं कि कोई और उद्देश्य है आपका? जो भी उद्देश्य है वहीं जाके क्लियर होंगे। मतलब बताना नहीं चाहेंगे अभी किसी को आप कुछ? जैसा कि आप भजन गायिका हैं तो लोकप्रियता पाने के लिए बागेश्वर धाम पैदल यात्रा लेकर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा सस्ती लोकप्रियता पब्लिसिटी और ये एजेंडा जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगी, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान में विश्वास नहीं है, या किसने देखा है क्या देखा है, तो मैं साक्षात्कार बताऊंगी। आज से 10 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था, जब से मैं बालाजी सरकार के चरणों में आई हूँ आप सभी लोगों ने मुझे घर घर तक पहुँचा लिया। तो पैदल तो मुझे जाना ही था, और जब मैं देखती थी बचपन में जब भागवत कथा करती थी तब उस टाइम पे जो छोटी छोटी बच्चियां कलश यात्रा करती थी उनको देख के मेरे मन में विचार था कि मैं कलश यात्रा करूंगी, इसलिए बस मैं कर रही हूं। रात्रि में विश्राम करते हैं, कहां रुकते हैं, कैसा इंतजाम होता है, दिनचर्या क्या रहती है, पूरा आपका सेटअप क्या रहता है? रात्रि में जहां पर बालाजी सरकार कृपा कर देते वहीं पे रुक जाते हैं, जहां से बोल देते चलो। माने तो क्या आप कोई आंदोलन हड़ताल करेंगी वहां? फिलहाल इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उस बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि मेरे घर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और बचपन से मुनि के चरणों से जुड़े हुए हैं। बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोले सतगुरु सन्यासी बाबा की। शिवरंजनी तिवारी जब से सुर्खियों में आई तब से अधिकतर लोगों को मानवा है कि वे पब्लिसिटी स्टंट के लाने जो सब कर रही, जबकि उनको कहवो है कि वे बागेश्वर सरकार के प्रति अपनी आस्था और प्रेम में पद यात्रा कर रही। अब देखने जो ही है कि 16 जून को होत का है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।